सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, मैं चित्रांश दादिच, आप सभी का फ्रेंड एंड कंपेनियन, आज के इस शानदार कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं विस्टास के सेकेंड चैप्टर के बारे में, और कहानी समझेंगे, मजे करेंगे, इंजॉय करेंगे इस स्टोरी को, क्योंकि ये कहानी हमारे जो लेखक हैं, राइटर हैं कल्कि साहब, उन्होंने लिखी ही मनोरंजन के लिए है। तो कहानी का नाम है द टाइगर किंग, और द टाइगर किंग जो है वो एक मनोरंजक कहानी है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर मैसेज देती है, एक बहुत ही गंभीर संदेश हमें देती है। और वो संदेश क्या है कि जिस तरीके से मनुष्य जो है जीव मात्र की हानि कर रहा है, जीव मात्र की हत्या कर रहा है, जानवरों का शिकार कर रहा है, वो कितना बुरा है और उससे कितना दुष्प्रभाव हमारी इस प्रकृति में देखने को मिल सकता है, इसको भी हम छूते हुए चलेंगे। लेकिन आज का मूल उद्देश्य पढ़ना पढ़ाना नहीं है, केवल स्टोरी को एंजॉय करना है। इस कहानी का आनंद आज हम लोग उठाने वाले हैं। तो कल्कि जो है वो अपनी कहानी प्रारंभ करते समय बताते हैं कि भाई आज हम बात करने वाले हैं एक अद्भुत असाधारण व्यक्ति की। कौन है साहब ये व्यक्ति? तो ये है महाराजाधिराज जमींदार जिलानी जंग जंग बहादुर त्रिभुवन सम्राट, और सारी की सारी जो उपाधियां हैं उनके नाम के साथ वह बोल देते हैं, और कहते हैं कि अक्सर इस नाम को छोटा कर दिया जाता है, और हम इस कहानी में इन्हें टाइगर किंग किंग या राजा कहकर ही पुकारने वाले हैं। तो गाइस, टाइगर किंग जो है वह जन्म के समय से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तब राज ज्योतिषियों को बुलाया गया, और राज ज्योतिषियों ने आकर के जब उस बच्चे को देखा तो देखते ही उन्होंने कहा कि भैया एक ना एक दिन इस बच्चे को मरना होगा, इस बच्चे की एक दिन मृत्यु हो जाएगी। इस पर मात्र 10 दिन का वह बच्चा अपनी बच्चों वाली तुतलानी वाली आवाज़ में बोलना शुरू करता है कि हे महाराज, हे बुद्धिमान मनुष्य, जो भी पैदा हुए हैं मरना तो सभी को है, इससे मेरा क्या फ़ायदा अगर आप ये बात बताएंगे तो? मौत कैसे होगी या किन कारणों से होगी, अगर ये आप मुझे बताते हैं तो ज़रूर मुझे इसका कुछ लाभ होगा। तो इस पर वे ज्योतिषी सभी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे यार 10 दिन का बच्चा है और अभी से बोल रहा है। तो इस बात पर वे सुन करके पहले आश्चर्यचकित होते हैं और फिर जवाब देते हैं, क्योंकि इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है, और वृषभ राशि की जो शत्रु राशि है वो सिंह राशि है, इसलिए बाघ या सिंह ही एक ऐसा जीव होगा जिससे इसकी मृत्यु होगी, तो इसलिए इसे हमेशा बाघों से, सिंहों से बचकर रहना चाहिए। अब ये बात सुनकर के किसी को भी लगेगा कि 10 दिन का बच्चा तो डर गया होगा, लेकिन वो डरे नहीं बल्कि गुर्रा करके उन्होंने कहा कि चलो अब जो भी बाघ हैं उन्हें चिंता करने दो अपने जीवन की, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बचपन में ये जो असाधारण घटना हुई जिसे कि अफवाह माना जाता है, तो ये अफवाह जो है प्रतिबंधपुरम में फैलने लगी, और प्रतिबंधपुरम के सभी लोग इस बात को जान गए थे। लेकिन बाद का जो समय, इस बचपन की इस घटना के बाद ऐसी कोई चमत्कारिक घटना उनके जीवन में नहीं हुई, वे एक सामान्य आम जैसे दूसरे राजकुमार थे, वैसे ही अपने राज्य में पलने बढ़ने लगे। अंग्रेजी शिक्षक द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी नैनी जो है उनका ध्यान रखती थी, अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे, और साथ ही साथ इंग्लिश मूवीज़ वो देखना पसंद करते थे जैसे कि बाकी के राजकुमार देखा करते हैं। 20 वर्ष की आयु में जब वे वहाँ के प्रतिबंधपुरम के राजा बने, तब उन्हें वापस से याद दिलाया गया कि भैया आपको सिंहों से बचकर रहना है, और उसी समय पर वो संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर के जंगल चले जाते हैं, वहाँ जाकर के एक बाघ का शिकार कर लेते हैं, एक बाघ को जान से मार डालते हैं, और उस मरे हुए बाघ को लेकर के वो सीधा चले जाते हैं जो प्रधान ज्योतिषी होते हैं इनके घर पे, और वहाँ ले जा करके उस मरे हुए जीव को उनके सामने डाल देते हैं और कहते हैं कि ये रहा, आप तो कह रहे थे बाघ मुझे मार देगा, बाघ कहाँ से मार देगा, बल्कि मैंने बाघ को मार दिया, ये देखो आपके सामने मरा हुआ पड़ा है। इस पर प्रधान ज्योतिषी कहते हैं कि आप बिल्कुल इसी तरह 99 बाघों को मार सकते हैं, लेकिन 100वें बाघ के साथ आपको बहुत ही सजग, बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इस पर वे पलट कर कहते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने 100 बाघ मार दिए तो क्या? तो वो कहते हैं कि भाई मेरी जितने भी ज्योतिष की किताबें हैं मैं उन सभी को आग लगा दूंगा, अपनी चोटी कटवा लूंगा, और जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। और ये बात वे बेढंगे तरीके से, बेमन तरीके से कहकर के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे टाइगर किंग अपने राज दरबार में पहुंचते हैं, राज दरबार में आते ही वो सारे मंत्रियों को कह देते हैं,
जो भी इस राज्य के प्रमुख कार्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन सब पर मैं बाद में बात करूंगा। उनमें से किसी पर अभी चर्चा नहीं होगी जब तक मैं 100 टाइगर नहीं मार देता। और उसी के साथ बाघों को मारने का अभियान प्रतिबंधपुरम में शुरू हो जाता है। और इस अभियान के अंतर्गत बहुत सारे नियम बना दिए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी बाघ का शिकार नहीं करेगा। अगर किसी ने एक बाघ पर एक पत्थर भी फेंका तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी राजा के द्वारा। तो राजा शिकार करना चाहते थे बाघों का, 100 बाघों का, इसलिए उन्होंने बाकी सभी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी किसी भी तरह से किसी भी बाघ के निकट नहीं जाएगा, उसके आसपास नहीं जाएगा, बाकी सभी लोग बाघों से दूर रहेंगे। और इस अभियान के अंतर्गत 10 साल तक वे बाघों का शिकार करते रहे और उन्होंने 70 शिकार कर लिए, यानी कि 70 बाघों को मार गिराया। और 70 बाघों के मरने के पश्चात, जब 70 बाघों की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद में एक विचित्र सी समस्या आकर के राजा के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि अब उन्हें प्रतिबंधपुरम में एक भी बाघ नहीं मिल रहा था। और ऐसा नहीं है कि 10 साल का समय जो है ये बहुत ही आसानी से निकल गया या उन्होंने ऐसे ही 70 बाघ मार दिए। कई बार राजा को खुद की जान का खतरा भी हो गया था, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बाघ जो है वो एक खूंखार जानवर है। तो कई बार वो राजा के ऊपर झपट पड़ता था, उनको मारने का प्रयास करता था, लेकिन राजा जो है अपने हाथों से ही उसका शिकार करते थे, उससे झगड़ा करते थे और उसे फिर बाद में गोली मार देते थे। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक ब्रिटिश का उच्च अधिकारी जो था ब्रिटिश सरकार का, उसने प्रतिबंधपुरम में शेर का शिकार करने की अपनी इच्छा जाहिर की और राजा जो है उनके सामने अपने तख्त को या अपने ताज को खो देने का खतरा भी उपस्थित हो गया। और अब उस अगर उस उच्च अधिकारी को मना करेंगे कि भैया हम आपको शिकार नहीं करने देंगे, तो ब्रिटिश सरकार से कह के, कांग्रेस से कह करके और मेरी सत्ता छीन लेगा। और अगर उसे मैं शिकार करने के लिए कह देता हूँ तो फिर बाकी लोग भी आ जाएंगे कि भाई हम भी शिकार करेंगे। तो राजा के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न हुई। उसी समय राजा और मंत्रियों ने मिलकर के एक दिमाग लगाया, बोले कि यार जो ऑफिसर है उसको छोड़ो, उसकी वाइफ जो है उसे हम कुछ गिफ्ट दे करके राजी कर लेते हैं, परसुएट कर लेते हैं कि भाई ये जो उच्च अधिकारी है इसको हम मना भी कर दें शिकार करने से और ये हमसे नाराज भी ना हो। तो कलकत्ता के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी से उन लोगों ने अंगूठियाँ मंगवाई, ठीक है, बहुत ही मतलब सोने की, रत्नों की और हीरे की, जवाहरात की जो अंगूठियां होती है पुराने जमाने वाली राजा महाराजाओं वाली, वो अंगूठियां मंगाई और लगभग 50 अंगूठियां मंगाई। और 50 अंगूठियां उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दी। तो राजा को लगा कि उसमें से 1, 2, 3, 4 जितनी उसको अच्छी लगेगी बाकी वो रख लेगी और बाकी की वापस भेज देगी। लेकिन भाई साहब, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ जो है वो भी अलग ही निकली, उसने 50 की 50 ही रख ली, एक भी रिटर्न नहीं की वापस कि भैया ये 2-3 मेरे को पसंद है ये दे दो, बाकी की रख लो, सारी ही रख ली उसने तो। और 2 दिन के बाद ही राजा को जो ज्वेलर साहब थे उन्होंने एक बिल भेज दिया, बिल भेजा सीधा सीधा 3 लाख का बिल उनका बन गया। यानी 3 लाख आज के समय के लिए, उस समय के जब 1 लाख की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, तो 3 लाख का बिल का भुगतान उन्हें करना पड़ा। लेकिन राजा फिर भी खुश था कि चलो भाई भले ही 3 लाख रुपए लगे, इसका भुगतान करना पड़ गया, लेकिन हमारा राज्य तो बच गया, नहीं तो ब्रिटिश ऑफिसर जो है इस राज पर कब्जा कर लेते। तो इस तरह के खतरों का सामना करते हुए राजा ने 10 साल का वक्त निकाला और 70 बाघ जो है उन्हें मार दिया था। लेकिन अब राजा के सामने ये समस्या उत्पन्न हुई कि अब उसे बाघ नहीं मिल रहे। तो राजा सोचने लगा कि यार क्या चक्कर है, अपने यहाँ पे बाघ मिल ही नहीं रहे, कहीं इन्होंने सब बाघों ने साथ में मिलके कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया, कहीं इन्होंने प्रजनन करना तो नहीं छोड़ दिया, या फिर ये किसी दूसरे राज्य में भाग गए, क्योंकि इन्हें मेरे हाथों नहीं मरना है बल्कि किसी ब्रिटिश ऑफिसर के हाथों मरना ज्यादा पसंद करेंगे। तो भाई कारण क्या हो गया, सारे के सारे भाग गए कहाँ। तो इन सारी चिंताओं से जूझते हुए काफी समय निकलने लगा और राजा को कहीं कोई बाघ नहीं मिल रहा था शिकार के लिए। उसी समय राजा ने अपने मंत्री जो है, सबसे प्रमुख दीवान जो है, उन्हें बुलाया, उन्हें बुला करके कहा कि भैया आपको पता है ना मुझे 100 टाइगर मारने हैं और अभी केवल 70 टाइगर्स ही हुए हैं,
तो उस पर वो दीवान जो है वो उनको देखता है, क्योंकि राजा साहब उस समय बैठ करके अपनी बंदूक साफ कर रहे थे कि भैया राजा को कहीं उल्टा जवाब ना दे दूं, कहीं ये यही गोली ना मार दे भाई। तो वो डरते हुए कहता है कि महाराज ना तो मैं बंदूक हूँ ना ही मैं बाघ हूँ। तो राजा जोर से हंसता है, बोले कि कौन बेवकूफ है जो तुम्हें बाघ कह रहा है या बंदूक कह रहा है। तो यहाँ पर दीवान ये कहना चाह रहा था कि भाई साहब बाघ मारने हैं तो मारो, मुझे क्यों डरा रहे हो, मुझे क्यों धमका रहे हो। तो ऐसा भाव यहाँ पर हमें प्रकट होता है। तो राजा यहाँ पर कहते हैं कि भाई ना तो तुम बाघ हो ना ही तुम बंदूक हो, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो इस पर दीवान कहता है, बोले महाराज मेरी पहले ही दो पत्नियाँ हैं और आप ऐसा कहेंगे तो मैं क्या करूँगा। तो राजा कहते हैं, बेवकूफ़ मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मेरी बात सुनो ध्यान से, हमारा राज्य जहाँ पर है आसपास के राज्यों का पता लगाओ कि कौन कौन से राज्यों में बाघों की संख्या बहुत अच्छी है या बहुत अधिक है, और वहाँ में उन राज्यों में से कोई ऐसा राज्य है क्या जहाँ कोई ऐसी सुंदर कन्या हो, ऐसी सुंदर राजकुमारी हो जिससे मैं शादी कर सकूं। तो आपको मेरे लिए राजकुमारी ढूंढनी है, वो भी ऐसे किसी राज्य से जहाँ बाघों की संख्या बहुत अच्छी हो, ये काम आपको करना है। तो दीवान बिल्कुल ऐसा ही करता है, ऐसी ही एक राजकुमारी का पता लगाता है। राजा जी जो है उनसे शादी कर लेते हैं, और जब कभी भी अपने ससुर जी के राज्य में जाते हैं घूमने फिरने, रानी जी को छोड़ने, रानी जी को लेने, तो पाँच सात बाघों का शिकार करके ही आते हैं। और इस तरह से बीतते हुए समय के साथ में राजा जो हैं वो कुल 99 बाघों को मार डालते हैं, और अब उनके लिए आखिरी बाघ ही शेष रहता है। लेकिन उसी समय पर फिर से वही बाधा उनके सामने आ जाती है, क्योंकि ना तो उनके राज्य में अब एक भी बाघ शेष रहा है, ना ही उनके ससुराल वाला जो राज्य है वहाँ पर भी एक भी बाघ शेष नहीं रहा। अब कहीं पर भी उनको कोई भी बाघ नहीं मिल रहा था। धीरे 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 समय आगे बढ़ने लगता है, और राजा जी की जो चिंता है, जो गुस्सा है, वो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। और राजा जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगते हैं, दीवान को कहते हैं कि भाई कुछ भी करो मेरे लिए, फटाफट से एक बाघ लेके आओ, मुझे उसका शिकार करना है। और राजा के इसी गुस्से के चलते कई अफसरों ने, कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी से हाथ धो दिया, क्योंकि राजा जिसको भी बोलता शिकार वो कहता साहब नहीं है, निकलो नौकरी से, मेरे को नीचे ऐसे लोग जो मना करें मुझे किसी भी काम के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। राजा का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि जनता पर गुस्सा होकर के उन्होंने अपने दीवान को बुलाकर कहा कि या तो मुझे शिकार के लिए बाघ चाहिए, नहीं तो हमारी जनता जो है उस पर जितना भी कर लगा हुआ है, जितना भी टैक्स लगा हुआ है, उसको तुरंत दोगुना कर दो। इस पर दीवान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आप अपने क्रोध में, अपने गुस्से में कोई भी ऐसा फैसला मत कीजिए जिससे आगे हमें ही नुकसान हो जाए, क्योंकि जनता अगर असंतुष्ट हो गई तो कांग्रेस की सहायता से फिर से आपका राज्य छिन सकता है। लेकिन इस बार राजा उसकी कोई बात नहीं सुनता, साफ कहता है या तो बाघ का इंतजाम करो, और अगर बाघ का इंतजाम नहीं कर सकते तो तुम भी अपनी जॉब से रिजाइन कर दो, यानी तुम भी अपने पद से त्याग पत्र दे करके इस नौकरी को छोड़ दो, मैं किसी और दीवान को रख लूंगा जो मेरा ये काम करे। तभी दीवान को याद आता है कि भाई अभी कुछ समय पहले जब मैं मद्रास के एक जू में गया था, एक चिड़ियाघर में गया था, तो वहाँ मुझे एक बाघ देखने को मिला था और बाघ मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैं उसे घर ले आया था। तो तब दीवान को याद आता है कि एक बाघ मेरे पास अपने घर पर भी है जो मेरा पालतू बाघ है। तो वह तुरंत घर जाता है और उस बाघ को कार में बिठाने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि भैया बाघ जो है उसने सत्याग्रह छेड़ दिया हो। बड़ी मुश्किल से दीवान और उसकी पत्नी मिलकर के उसे एक कार में चढ़ाते हैं, और बड़ी मुश्किल से उसे कार से वापस उतारा जाता है एक जंगल के अंदर, जिस जंगल में राजा साहब जो हैं अपने सभी सैनिकों के साथ बैठे हुए थे और शिकार की तलाश कर रहे थे, शिकार की खोज कर रहे थे। अगले दिन सुबह उसी बाघ को उनके सामने लाया जाता है, उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि ये रहा साहब आपका बाघ, 100वां बाघ, आप चाहें तो इसे आराम से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। राजा जो है बहुत ही सावधानी से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर के उसका एक निशाना लेता है, गोली चलते ही वो बाघ जमीन पर धड़ाम करके गिर जाता है। और राजा जो है खुशी खुशी सबको आदेश देता है कि एक भव्य यात्रा के साथ इसे लाया जाए हमारे प्रतिबंधपुरम की राजधानी में, और वहीं पर हम इसे ज़मीन में गाड़ेंगे और इसका मकबरा वहीं पर बनाया जाएगा। इस तरह की बात राजा कहकर वहाँ से
चले जाते हैं। तो जो शिकारी राजा के साथ खड़े होते हैं, राजा के जाने के बाद वो शिकारी उस शेर के पास जाते हैं और ध्यान से उस शेर को देख रहे होते हैं। तो शेर भी पलट के उनको ध्यान से देख लेता है और जैसे ही शेर उन्हें देखता है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि राजा जो है उनकी गोली से ये बाघ मरा नहीं है, ये जिंदा है। क्योंकि ये अवस्था में बहुत ही बूढ़ा है, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही इसके पास से गोली निकली, उस गोली की आवाज़ से बस ये बेहोश होकर गिर गया था। वास्तविकता में ये मरा नहीं था, लेकिन अब उन्हें भी अपनी जान का और नौकरी जाने का बहुत डर था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यार राजा को बताएंगे तो राजा या तो अपने को गोली मार देगा या अपने को नौकरी से निकाल देगा। तो उन्होंने राजा को इस बारे में कुछ नहीं बताया और एक फिट की दूरी से ही उसके सर पर बंदूक रखकर उसे गोली मार दी। और अब जो बाघ था वो वास्तविकता में मर चुका था। राजा के कहे अनुसार उसे एक भव्य यात्रा के साथ में नगर के बीच से होते हुए नगर की राजधानी में लाया गया और वहां पर उसका मकबरा बना दिया गया। राजा जो है अब पूरी तरीके से अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा और उसने बाघों का शिकार करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। यानी अब बाघों का शिकार वह नहीं कर रहा था, अपने राज्य पर, अपने परिवार पर, अपनी जनता पर ध्यान दे रहा था। उसी समय कुछ समय के बाद उनके राजकुमार बेटे का बर्थडे था, उसका जन्मोत्सव का समय आया। तो जन्मोत्सव के समय के लिए वो बाजार में निकले अपने बच्चे के लिए कोई तोहफा लाने के लिए, उसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट लाने के लिए। और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी और एक क्राफ्टमैन जो था, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लकड़ियों से खिलौने बनाता था, उसकी दुकान पर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने लकड़ी का बना हुआ एक बाघ देखा। और उस बाघ को देख करके वो बहुत खुश हुए, उनको लगा कि यार ये बहुत बढ़िया रहेगा मेरे बच्चे के खेलने के लिए। लेकिन वो जो बाघ है वो किसी नौसिखिया खाती ने बनाया था और उसकी अच्छी तरीके से फिनिशिंग भी नहीं की गई थी। लेकिन वह जो क्राफ्टमैन था, वह ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने राजा को कम कीमत बताई तो राजा को ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे को है ना सस्ते में कोई चीज़ दे करके मेरी इंसल्ट कर रहा है और मेरे ऊपर राजद्रोह का आरोप लग जाएगा कि आपने राजा का अपमान किया है, अब तो आपको फांसी लगाएंगे। तो उसने राजा से कहा कि महाराज, आपने बहुत ही शानदार खिलौना अपने हाथ में पकड़ रखा है, ये कारीगरी का सर्वश्रेष्ठ नमूना है और इसलिए इसकी कीमत है 300 रुपये। उस समय के 300 रुपये जो बहुत ज़्यादा होते थे, तो 300 रुपये वो कहता है, राजा कहता है बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया लगा हमें, और लेकर के अपने बच्चे के लिए ले जाता है। अगले दिन जब राजा अपने बच्चे के साथ उसी खिलौने से खेल रहा होता है तो उस लकड़ी के खिलौने का एक टुकड़ा राजा के हाथ में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में इन्फेक्शन फैलने लगता है और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन, वो संक्रमण उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। तभी मद्रास से बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सकों को, डॉक्टर्स को बुलाया जाता है कि चलो साहब, हमारे राजा साहब के हाथ में ऐसा ऐसा हो गया है, आप चल के उनका इलाज करो। तो वे जब उनका इलाज करते हैं तो वे उनका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के लोगों से कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, शल्य चिकित्सा सफल रही, राजा मर चुके हैं, राजा की डेथ हो चुकी है। वो ऐसा कहते हैं कि भाई ऑपरेशन सफल रहा और राजा मर गए। तो ये दोनों बातें जो हैं ये कॉन्ट्रास्ट हैं, एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं। तो इसीलिए एक व्यंग्य की तरह इस बात को कहा गया है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर दुख वाला भाव नहीं है। दुख वाला भाव इसलिए नहीं है क्योंकि वह राजा जिसने एक बात सुन करके उस बात को इतना गंभीर लिया कि भाई किस तरीके से उसने इतने लंबे समय में राजा होते हुए भी लोगों की भलाई का काम छोड़ करके बाघों को मारने जैसा जघन्य काम किया, एक जघन्य अपराध किया, जो कि किसी भी राजा के लिए शोभा देने वाला विषय नहीं है, लेकिन फिर भी राजा ने अपने मन की तसल्ली के लिए किया। लेकिन अंत में जो सौवा टाइगर था, आखिर उसने अपना बदला ले ही लिया, क्योंकि सौवा टाइगर जो हम जंगल वाला सोच रहे हैं वो तो बच गया था जिंदा, वो तो राजा ने मारा नहीं था। सौवा टाइगर कौन सा था? ये लकड़ी का टाइगर था जिसने राजा को मार दिया था। तो गाइज ये हमारी आज की कहानी है। इसी कहानी की और डेप्थ डिटेल्स और डेप्थ ह्यूमर को समझने के लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जिसमें हम लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इस कहानी को देखेंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
आपके साथ कभी ऐसा कोई ह्यूमरस इंसिडेंट हुआ है कि जहां पर व्यंग्यात्मक रूप से कुछ आपने अपने जीवन में घटित होते हुए देखा हो या आपके साथ घटित हुआ हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. आई विल सी यू सून.